जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अंगारक योग ब्रह्मांड में बनने जा रहा है, उसके प्रभाव क्या होंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अप्रैल 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा ये मैं आपको पिछले एक साल से भी ज्यादा समय हो गया आपको बताता आ रहा हूं कि इस समय पूरी दुनिया के लिए बहुत विषम रहने वाला है। लेकिन इसी घटनाक्रम के अंदर एक और बड़ा घटनाक्रम ब्रह्मांड के अंदर, ग्रहों के अंदर होने वाला है, जिसके संदर्भ में मैं आपको आज का ये वीडियो दे रहा हूं। दर्शकों, 1 मई 2024 को, यानी इधर तो ब्रह्मांड में अंगारक योग बनेगा 24 अप्रैल को, उसका प्रभाव तो अपनी जगह होगा ही, लेकिन 1 मई 2024 को जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा दोपहर के बाद में, बृहस्पति अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और शुक्र बृहस्पति के अति शत्रु है, यानी कि बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग एक वर्ष तक हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति एक वर्ष एक राशि में बिताते हैं। ऐसे में बृहस्पति का राशि परिवर्तन पूरे वर्ष के लिए हम सब पर बहुत बड़ा प्रभाव जरूर डालेगा और बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन अपने आप में अपने मायने बहुत बड़े रखता है। क्या रखता है, अब आप उसको ध्यान से सुनिए। बृहस्पति वृषभ राशि में आएगा, अपने अति शत्रु की राशि में आएगा, तो यहां पर वो असहज जरूर होगा। यहां पर इस बात को दो तरह से करके देखिए आप। शुक्र भोग विलासिता संसाधन इसका कारक है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, यानी इस बार बृहस्पति हमारे संसाधन, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी मान्यताएं, हमारी सुविधाएं, हर जगह पर धर्म का प्रहार अब होने वाला है, यानी कि बृहस्पति आपके उन संसाधनों पर चोट करने वाला है, आपकी भौतिकवादी सोच पर चोट करने वाला है, जिस सोच को लेकर के हम आज तक चल रहे हैं, यानी कि ये पैसा मेरे किस काम का, ये बिजनेस मेरे किस काम का, ये चीजें मेरे लिए किस काम की, यदि मैं मन से शांत नहीं हूं या मेरे जीवन में इतनी परेशानी है और मैं पैसे से भी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा हूं, सब कुछ मेरे पास है, फिर मन में अशांति क्यों है, दुनिया के हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं कि हम अपने आप को बेचैन और परेशान महसूस कर रहे हैं, ये सारी की सारी हमारी मानसिक सोच पर चोट बृहस्पति करेगा। क्यों करेगा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे बृहस्पति जब हर साल राशि परिवर्तन करता है तो 12 साल पहले भी तो इस राशि में आया होगा, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, इस बार ऐसा क्या होने जा रहा है। तो बृहस्पति हर साल अपना राशि परिवर्तन करता है, 12 वर्ष पहले भी वो इस राशि में था, लेकिन इस बार केतु कन्या राशि पर है और कन्या राशि में स्थित केतु की दृष्टि भी बृहस्पति पर है और बृहस्पति की दृष्टि भी केतु पर है। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है, नया ये है कि इस बार बृहस्पति जो काम कर रहे हैं और जो केतु जो रोल निभा रहे हैं वो हजारों साल में अब तक उन्होंने नहीं निभाया है। केतु कन्या राशि में स्थित होकर के वो रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। कन्या राशि बुध की राशि होती है और युग परिवर्तन के समय पर, आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो मैंने उसमें बताया था कि बुध तत्व का एलिमेंट अब समाप्ति की ओर है, यानी कि उसका टेन्योर अब पूरा हो चुका है और बृहस्पति तत्व यानी ब्रह्मांड का पांचवा तत्व अब सक्रिय होने जा रहा है।
इसीलिए जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं सब केतु के साथ यानी कि छठी राशि में कन्या राशि में बन रही हैं। केतु मोक्ष का कारक है और 30 मार्च 2025 को भी यही परिस्थिति रहेगी, लेकिन उस दिन ब्रह्मांड के सारे ग्रहों की दृष्टि केतु पर होगी और इसीलिए मैंने कहा था कि वो दिन कलयुग का अंतिम दिन होगा। दर्शकों, एक एक कॉम्बिनेशन को चेक करना होता है कि कब कौन सा कॉम्बिनेशन है और आगे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, किसको क्या रोल मिला है, इससे पहले उसकी भूमिका क्या थी, इन सब बातों को जब ध्यान में रखते हैं तो ज्योतिष का फलादेश निकल करके आता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि 2024 के चुनाव अप्रैल से पहले हो जाने चाहिए। एक साल से भी ज्यादा समय पहले मैंने वो बात कही थी। आज मेरा वो पुराना वीडियो आज भी YouTube पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, अब देखना मैंने क्या कहा था। एक एक अक्षर इस समय पर वही घटित हो रहा है। इसलिए इस बार जो बृहस्पति करने जा रहे हैं वो बहुत अलग करने जा रहे हैं, यानी कि केतु मोक्ष का कारक है, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की केतु पर दृष्टि है, अर्थात इस संसार के अंदर अब वो होगा धर्म के नाम पर जो अब तक कभी भी नहीं हुआ है। धर्म अब हमारी जिंदगी के अंदर वो भूचाल लेकर आने वाला है जिसकी आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। पाखंडी और अपने आप को बड़े बड़े धर्मात्मा कहने वाले लोग अब सावधान हो जाइए, केतु अब आपसे हिसाब किताब लेने आ रहा है। अपनी बुद्धि के आधार पर मार्केटिंग करके झूठ को सच बनाकर बड़े बड़े संगीतों के माध्यम से जो धर्म का व्यापार हो रहा था, अब इस व्यापार को ताला लगाने का समय आ चुका है। अब सत्य दुनिया के सामने आएगा और ये काम 1 मई के बाद होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। परिवर्तन परिवर्तन तो होकर रहेगा और 1 मई का वो दिन है। इसलिए इस बार जो धर्म युद्ध होगा 1 मई के बाद का, ये अपनी चरम सीमा पर होगा। दुनिया के अंदर धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म के नाम पर लड़ने वाली लड़ाई अपनी चरम सीमा पर होगी और एक ऐसी अंधी भक्ति होगी धर्म के नाम पर जो पूरे संसार को बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर विवश करेगी। लेकिन इसके साथ ही सत्य भी स्थापित होगा, ये काम भी जरूर होगा। आज तक ऐसा होता आया है कि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उसको झुटलाता है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और लोग भ्रम में पड़ते हैं कि यार एक बात है, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, आखिर सत्य है क्या। लेकिन अब 1 मई के बाद समय वो आएगा जब हमारे सामने हमारे धर्मों के अंदर भी छुपा हुआ सत्य सनातन बाहर निकल करके आएगा। मेरी बात नोट कर लीजिए, अक्षर अक्षर सत्य होगा, 1000% होगा, यानी कि इस संसार के अंदर जितने भी धर्म और धर्म की मान्यताएं हैं उनमें जहां जहां सत्य सनातन छिपा हुआ है अब वो धरती फाड़ कर प्रकट होगा, हमारे सामने आएगा और हम विवश होंगे उस सत्य को स्वीकार करने के लिए। कोई कहता है ऐसा है, आपका ये धर्म बुरा है, आपके धर्म में तो ये बुराई है, आपके धर्म में तो ये बुराई है, किसी के धर्म में क्या बुराई है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे धर्म में अच्छाई क्या है, हमारे धर्म में सत्यता क्या है, हमारे धर्म के अंदर वो सनातन का कौन सा स्वरूप है जो हमारी जिंदगी को परिवर्तित करने की ताकत रखता है, जो इस सृष्टि के नियमों की पालना करता है और उस धर्म के उसी सनातन रहस्य के कारण से, उस सनातन शक्ति के कारण से ही हजारों लाखों साल से हमारा धर्म इस धरती पर मौजूद है और लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन संसार में सनातन को स्थापित करने की ताकत, ब्रह्मांड से ग्रहों की ताकत इस धरती पर
मिल रही है सनातन को और ये काम अब होकर रहेगा। इसलिए 1 मई से उसके बाद जो 1 वर्ष का समय होगा, ये 1 वर्ष बृहस्पति का तत्व, ज्ञान का तत्व, फिफ्थ एलिमेंट अपनी जड़ें इस धरती पर जमा कर रहेगा, केतु उसका साथ देगा और बाकी के जो ग्रह हैं 7 ग्रह वो करबद्ध होकर के केतु के सामने खड़े होंगे और अपनी मौन स्वीकृति देंगे कि हाँ अब वो समय आ चुका है जब इस धरती पर सनातन को स्थापित होना ही होना है। ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन बृहस्पति का 1 मई को होने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको अक्षर अक्षर डिटेल में सब कुछ बता दिया है। ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन अब वक्त आया है आपको ये बात समझाने का, कहने का, क्योंकि इससे पहले कहता तो आप मेरी बात को बड़े हल्के में लेते, लेकिन ये अंगारक योग और ये जो चुनाव है और ये जो माहौल है और जो आने वाला समय है, ये हम सबको अच्छी तरह समझा देगा कि इस धरती पर हम मनुष्यों की हैसियत एक तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम प्रकृति को ना तो कभी चैलेंज कर पाए हैं, ना कभी चैलेंज कर पाएंगे। वो ऊपर बैठा परमात्मा तिनके से भी काम लेना जानता है और इसीलिए उसे अपनी धरती की भी चिंता है। और अगर कहीं किसी को अपने ऊपर गुमान हो जाए कि वो सर्वशक्तिमान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हैं, या अमेरिका का राष्ट्रपति है, या फिर भारत का कोई उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई भी हो, इस संसार के 800 करोड़ लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये सोचे कि उसके पास ताकत है और वो बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है और वो ये कर रहा है, तो ये जो समय चल रहा है ये हर व्यक्ति को आईना दिखाएगा और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि हर व्यक्ति घुटनों के बल बैठ करके उस परमात्मा के इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। ये मैं जो कह रहा हूं दिसंबर 2025 के अंदर, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, एक एक बात, एक एक अक्षर आपको सत्य होता हुआ नजर आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बृहस्पति का जो बड़ा कार्य है जो इस बार करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। धर्म स्थापना का ये समय है, केतु बृहस्पति का साथ दे रहा है और बाकी ग्रह अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। ये ऐसा संयोग है जो 1 मई 2024 से बनना आरंभ हो जाएगा और 30 मार्च 2025 को इसकी स्थापना हो जाएगी और दिसंबर 2025 तक ये परिवर्तन घटित हो चुका होगा और उसके बाद भी 2 वर्षों तक ये कार्यकाल चलेगा, लेकिन तब केवल अवशेषों को समझने और समझाने का वक्त रहेगा। प्रक्रिया तो नव निर्माण की शुरू हो चुकी होगी, वो तो बहुत लंबी है, कई वर्षों तक चलेगी, लेकिन ये जो समय है ऐसा समय अब इस धरती पर हजारों वर्षों में दोबारा कभी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।